दोस्तों, अगर आपने ज़ॉम्बी हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बुल्ली बाबा को बुलाने उनके घर जाता है, लेकिन बाबा घर पे नहीं मिलते। कुछ देर रुकने के बाद बुल्ली वापस जाने लगता है। बुल्ली समझ जाता है कि बाबा घर पे नहीं है। बुल्ली यहाँ बड़ी उम्मीदें लेकर आया था और अब बुल्ली की मदद कौन करेगा? बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा देर तक यहाँ अकेले रुकना भी ठीक नहीं है, इसलिए बुल्ली वापस जाने लगता है। शहर में हर जगह ज़ॉम्बी फैले हुए हैं और बुल्ली के पास उसे लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं है, इसलिए बुल्ली को बड़ी होशियारी से आगे बढ़ना होगा। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ। पेड़ के पीछे छुपे हुए ज़ॉम्बी ने अचानक से बुल्ली पे हमला कर दिया। ज़ॉम्बी बुल्ली को इन्फेक्टेड करके अपनी तरह ज़ॉम्बी बनाना चाहता था, लेकिन तभी बुल्ली ने ज़ॉम्बी को उठाकर फेंक दिया। लेकिन अफसोस कि बुल्ली ज़ॉम्बी के काटने से अपने आप को बचा नहीं पाया और वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। बुल्ली जैसे ही अपनी जान बचाकर आगे जाने लगा, दूसरा वाला ज़ॉम्बी भी उसके पीछे लग गया। ज़ॉम्बी ने बुल्ली को कई जगह काटा है, इसलिए बुल्ली को फौरन इलाज की जरूरत है। अगर बुल्ली का इलाज सही वक्त पे नहीं किया गया तो बुल्ली भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर गुल्ली बिल्कुल अकेला हो जाएगा, क्योंकि शॉन की बैग में चोट लगी है और गुल्ली इतने सारे ज़ॉम्बी से अकेले नहीं लड़ सकता। और इधर लगता है बुल्ली की तबीयत खराब होना शुरू हो गई है। बुल्ली का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। वायरस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बुल्ली अब थक चुका है, उसकी सारी ताकत खत्म होती जा रही है और अब वो और नहीं चल सकता। और इधर गुल्ली और शॉन गुल्ली के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों को लगता है बुल्ली बाबा को लेकर आने ही वाला होगा। गुल्ली शॉन से कहता है कि बाबा के आने के बाद साइरन हेड का काम तमाम हो जाएगा और हम सभी घर वापस लौट जाएंगे। गुल्ली शॉन से बात कर ही रहा होता है कि तभी गुल्ली को एक काली परछाई दिखाई देती है। शॉन गुल्ली से कहता है, क्या हुआ गुल्ली, तुम उधर क्या देख रहे हो, कोई है क्या वहाँ पे? गुल्ली कहता है, शॉन यहाँ कोई आया था, मैंने उसकी परछाई देखी है। ये कहकर गुल्ली आगे जाने लगा। गुल्ली ने जब आगे जाकर देखा तो वहाँ लाल आंखों वाला एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था, जो गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने आया था, लेकिन तीनों में से किसी को भी ढूंढ नहीं पाया और खाली हाथ वापस चला गया। उसके जाते ही गुल्ली भी वापस आ गया। उसे ये बात शॉन को बतानी होगी। गुल्ली जैसे ही शॉन के पास आया, शॉन उसे पूछने लगा, क्या हुआ गुल्ली, कौन था वहाँ पे? गुल्ली ने कहा, एक ज़ॉम्बी हमें यहाँ ढूंढने आया था। शॉन, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम मारे जाएंगे। मैं जाकर गाड़ी का इंतजाम करता हूँ, हम सीधे बाबा के घर जाएंगे। बुल्ली भी अब तक वापस नहीं आया है, मुझे लगता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। शॉन, तुम कहीं जाना मत, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया और शॉन गुल्ली को जाते हुए देख रहा होता है। उसे नहीं पता कि गुल्ली भी वापस आएगा या नहीं। और इधर साइरन हेड गाड़ी से नीचे उतरकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने में लगा हुआ है कि अचानक से ये तीनों लापता कैसे हो गए। साइरन हेड तीनों को ढूंढता हुआ वहाँ से दूर चला गया। बस गुल्ली को तो इसी मौके की तलाश थी। साइरन हेड के जाते ही गुल्ली फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गुल्ली को जल्दी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना होगा। अगर साइरन हेड ने गाड़ी की आवाज़ सुन ली तो वो गुल्ली पे हमला कर देगा। गुल्ली जाकर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ है। लेकिन गुल्ली के पास यहाँ से भागने का ये आखिरी मौका है। गुल्ली गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो सीधे शॉन के पास जाता है। उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि साइरन हेड ने गाड़ी की आवाज़ सुन ली है और वो उसे ढूंढता हुआ वापस वहीं आ गया है जहाँ उसने गाड़ी खड़ी की थी। साइरन हेड ने देखा कि गाड़ी वहाँ पे नहीं है जहाँ वो उसे छोड़ कर गया था। साइरन हेड समझ चुका है कि गुल्ली बुल्ली अपनी गाड़ी ले गए हैं, लेकिन अब ये गाड़ी साइरन हेड की हो चुकी है और वो अपनी गाड़ी वापस लेकर रहेगा। और इधर गुल्ली ने शॉन को गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता कि उसे साइरन हेड ने देख लिया है और अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। शॉन ने साइरन हेड को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दी और गुल्ली से बोला, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, भोपू वाला शैतान हमारे पीछे आ रहा है। गुल्ली ने फौरन गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और अपना रास्ता बदल दिया और इस तरह गुल्ली साइरन हेड को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया। कुछ देर बाद गुल्ली शॉन को लेकर बाबा के घर के काफी करीब पहुँच गया। तभी गुल्ली ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। गुल्ली ने फौरन ब्रेक मारकर गाड़ी रोकी और उसने देखा कि बुल्ली रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ है। गुल्ली समझ गया बुल्ली के साथ कुछ बुरा हुआ है। गुल्ली फौरन गाड़ी से नीचे उतरा और दौड़ते हुए बुल्ली के पास पहुंचा
और उसने देखा कि गुल्ली के हाथ और सर पे चोट के निशान बने हुए हैं। गुल्ली समझ गया उसे ज़ॉम्बीज ने काटा है। गुल्ली बुल्ली को पलट कर देखता है तो समझ जाता है कि बुल्ली वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है और उसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी शॉन गुल्ली से पूछता है, बुल्ली को क्या हुआ? गुल्ली, क्या उसका एक्सीडेंट हो गया है? गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, बुल्ली को ज़ॉम्बीज ने काटा है और वायरस उसकी बॉडी में फैल चुका है। उसको फौरन इलाज की जरूरत है। हमें उसको लेकर बाबा के पास चलना होगा, वरना हम बुल्ली को खो देंगे, वो भी हमेशा के लिए। शॉन बोला, मुझे लगता है बुल्ली बाबा के पास नहीं जा पाया, उससे पहले ही ज़ॉम्बियों ने उस पर हमला कर दिया होगा। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? अगर इसने फिर किसी को काट लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ज़ॉम्बी को देखते ही गुल्ली पीछे हटने लगा। तभी शॉन ने गन निकालकर ज़ॉम्बी पर फायर कर दिया और गुल्ली को स्मैक लगाने का मौका मिल गया। स्मैक लगते ही ज़ॉम्बी पेड़ के ऊपर लटक गया और गुल्ली दौड़ता हुआ ज़ॉम्बी के पास जाने लगा। गुल्ली ने पास जाकर देखा कि ज़ॉम्बी जिंदा है या मर गया। अरे ये तो जिंदा है। गुल्ली ने फौरन गन निकाली और ज़ॉम्बी को शूट कर दिया। ज़ॉम्बी को शूट करना जरूरी था, वरना ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली और शॉन के लिए मुसीबत बन जाता। तभी अचानक से शॉन के चिल्लाने की आवाज आने लगी। गुल्ली ने जब पलट कर देखा तो वहाँ एक दूसरा ज़ॉम्बी शॉन को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी छीना झपटी में शॉन की गन गाड़ी से नीचे गिर गई। गुल्ली दौड़ता हुआ ज़ॉम्बी के पास पहुंचा और उस पर गोलियां चलाने लगा। तभी वो ज़ॉम्बी शॉन को छोड़कर गुल्ली की तरफ आने लगा। गुल्ली को इसे जल्दी मारकर यहां से निकलना होगा। अरे ये क्या, गोलियां खत्म हो गई। गोलियां खत्म होते ही गुल्ली वहां से भागता है। ज़ॉम्बी को मारने के लिए गुल्ली को कुछ और इंतजाम करना होगा, वरना गुल्ली बुल्ली को लेकर यहां से आगे नहीं जा पाएगा। गुल्ली ज़ॉम्बी से बचने के लिए लगातार भागता रहता है और भागते हुए वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। अच्छा हुआ गुल्ली को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन ये गाड़ी है किसकी और गुल्ली इतना डर क्यों रहा है? लगता है कोई नई मुसीबत आ गई है। अरे ये तो रॉड है, लेकिन ये तो गुल्ली बुल्ली का पुराना दुश्मन है, ये यहाँ क्या कर रहा है? गुल्ली ने कहा, देखो रॉड, हम आपस की लड़ाई तो बाद में भी लड़ लेंगे, आज मेरी लड़ाई ज़ॉम्बी से है और अगर तुम चाहो तो हम आपस में मिलकर शहर से इन ज़ॉम्बियों का सफाया कर सकते हैं। रॉड ने कहा, गुल्ली मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया, मेरी अब तुमसे कोई लड़ाई नहीं है और अब तुम्हें ज़ॉम्बी से डरने की भी जरूरत नहीं है, पास आने दो इसे। और जैसे ही ज़ॉम्बी रॉड के पास गया, रॉड ने उसे फ्रीज कर दिया। ज़ॉम्बी को फ्रीज करने के बाद रॉड ने गुल्ली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन गुल्ली इतनी जल्दी रॉड पे भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए गुल्ली ने रॉड से कहा, दोस्ती तो हम बाद में भी कर लेंगे रॉड, पहले हमें ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। तभी शॉन ने चिल्लाते हुए गुल्ली से कहा, बुल्ली को होश आ रहा है, इसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का? और रॉड क्या सच में सुधर गया है या फिर वो इन तीनों को धोखा देने आया है? और क्या होगा बुल्ली का? क्या बुल्ली ठीक हो जाएगा या फिर वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 6 में 1 नवंबर संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 6 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।